हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है, आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, ये कोई 4:30 के आसपास। और कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे से होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो मैं आपको आज के ब्लॉग में जो भी हमारे रास्ते का जो भी रूटीन है मैं वो दिखाती जाऊँगी, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बजे 6:30 और हम लोग जा रहे गाँव। लगभग 2 घंटे हो गए, 4:30 बजे निकले थे घर से, और वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहे क्योंकि ना अंधेरा सा था और अभी भी सड़क में थोड़ा सा फॉग्स है, या कह लीजिए पॉलिश। और सामान मैंने रात में गाड़ी में रख दिया था, जैसे कल की वीडियो में दिखाया था। अभी है हमारे घर लगभग 300 किलोमीटर और रह गया। सूर्यदेव भी निकले हैं, हल्की हल्की धूप आने लग गई है। गर्मियों के दिन हैं तो मौसम तो ठंडा ही हो रहा है, बारिश हुई है 1-2 दिन से, तो मौसम में गर्मी नहीं है, ठीक सा टेम्परेचर और क्या। इस टाइम हम मुरादाबाद के आसपास हैं, मुरादाबाद वाला हाईवे है ये, और ये खेत दोनों तरफ। हमारा सफर आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखाती रहूंगी। रास्ते में हमने नारियल पानी पिया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए रामनगर, जिम कॉर्बेट वाली रोड, और यहाँ से हो जाती है पहाड़ियाँ स्टार्ट और जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और क्या आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि जंगली जानवर रोड पे आ जाते हैं, जैसे बाघ, एलिफेंट, हिरन। और जिम कॉर्बेट का ही पूरा एरिया जिम कॉर्बेट का है, ये पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया बहुत बड़ा। अभी तो हम स्टार्टिंग पे ही हैं, रामपुर बहुत किलोमीटर का, 1 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और जब पिछले लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ एक हाथी था, जंगली हाथी रोड के किनारे, तो उसका मैंने वीडियो भी बनाया था और वीडियो डाला था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहीं से थोड़ा सा अभी 7-8 किलोमीटर आगे माता गिरजा देवी का मंदिर है, तो हम वहाँ भी जाने वाले, तो आप लोगों को भी वहाँ माता के दर्शन कराऊंगे। और वहाँ पे कोसी नदी में ही माता का मंदिर बना होगा। और सुबह 4:30 बजे के आसपास हम निकले थे और अभी 9 बज रहे, 9 बजे हम पहुँच गए रामनगर। और थोड़ा सा सामान वगैरह भी लिया था, थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे, तो थोड़ा और पहले पहुँच जाते। सुबह निकले आए तो भीड़ नहीं था, ट्रैफिक नहीं था रोड पे, इक्का दुक्का तो होता ही है उसी टाइप का था। फिर आइए चलते हैं, सारी रोड खाली सी है। गाड़ी लगाती है पार्किंग में, पार्किंग में बहुत भीड़ थी,
आजकल गर्मियाँ तो लोग पहाड़ों पे बहुत आए होते हैं, तो चारों तरफ भीड़ भीड़ है, हमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी चलता। अब लूँगी प्रसाद। जैसे हमने यहाँ मंदिर के प्रांगण में एंट्री की तो चारों तरफ जनसैलाब ही भीड़ ही भीड़, पूरी नदी के दूसरे छोर तक लाइन लगी हुई है और ऊपर से तेज गर्मी पड़ी, बहुत ही तेज, दर्शन करने दुर्बल हो रहे। देखो क्या करते, अब नंबर आता है कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। फ्रेंड्स अभी भी आए मंदिर से और भीड़ इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ के कुछ पूछो मत। अभी आपने वीडियो क्लिप में देखी होगी पीछे, बहुत ही अधिक भीड़ और ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हाँ चटनी डाल दो, बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए रामनगर से लगभग, मुझे ठीक ढंग से तो आइडिया नहीं, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर आ गया, ज़्यादा और ज़्यादा 30-35 किलोमीटर। एक सराव करके एक जगह है रामनगर से कोई 30-35 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे अभी मैं गाड़ी से उतर के दिखाऊंगी आपको नेचुरल पानी का स्रोत है। पहले तो बहुत मोटा पानी आता था, थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट कर दिया पानी तो कम हो गया। और साथ में लिया पहाड़ी रायता, उत्तराखंड का फेमस खीरे का रायता, और एक प्लेट लिया। अभी आप उत्तराखंड की तरफ आए और रोड साइड जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, हर जगह ये उत्तराखंड का फेमस रायता मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है और सारी सफ़र की थकान उतार देता है। तो मैंने भी एक प्लेट रायता लिया और एक प्लेट राइस लिया। पहले रायता फिनिश करती हूँ, फिर भूख लगेगी तो फिर कुछ और लूंगी। तब मैंने खा लिया, उसके बाद मैंने एक प्लेट राइस लिया अपने लिए। खाती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या है उसमें। उसमें ये चावल है और दाल है और कढ़ी है और आलू बैंगन की सब्जी और मूली का सैलेड है, प्याज मूली का सैलेड है। और यहाँ के नेचुरल पानी से बना जो पानी का स्रोत है यहाँ, उस पानी से बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच के खाना खाया, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट दी। और ये ना पानी का नेचुरल स्रोत है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे ऊपर से आ रहा पानी है, पहले बहुत ही मोटा पानी आता था, पूरी रोड में भर जाता था, बहुत ज़्यादा। हाँ, और वो पूरी उधर जाती थी, इतना पानी आता था पूरा वहाँ तक। हमने बहुत किया है पानी बहरा, दिन भर बहता रहता है। बोतल भर के लाई पानी और पूरे पहाड़ों पे ना ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे पानी के स्रोत मिलते जाएंगे आप लोग, बहुत मिलते हैं। ऊपर से नेचुरल पानी आ रहा, तो
ये भी पूरा पहले बहुत पानी आता था यहाँ से ऊपर, अभी पानी ना कई गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए पानी के साथ, ये अभी भी पानी जमा हुआ है और ये पानी वो ऊपर से आ रहा है। तो चलते हैं फिर आगे के सफर की तरफ, अभी रह गया काफी दूर रह गया अभी। ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है, लॉन्ग जब लॉन्ग रूट होता है, लंबा सफर होता है तो बीच बीच में रुक रुके कहीं पे चाय पी लो, कहीं पे पानी वगैरह भर लो, ऐसे छोटे छोटे स्टेशन टाइप आते हैं तो वहाँ थोड़ा फ्रेश फील होने लगता है, नहीं तो गाड़ी में बैठे बैठे हाथ पैरों में दर्द और थकान सी होने लगती है। और वैसे ना रामनगर से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, किलोमीटर में 110 के आसपास है, 107 के आसपास है। लेकिन ना ये पहाड़ी इलाका होता है तो घुमावदार सड़कें होती हैं इनमें बहुत ही, और इस जो गाड़ी का क्या बोलते हैं, जो गाड़ी की स्पीड है ना पहाड़ी इलाकों में 20 या 30 के से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 20 25 30 इतनी रहती है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है ये पूरा यात्रा कवर करने में। तो इसलिए 4 से 5 घंटे, 100 किलोमीटर का जो दायरा है 4-5 से 6 घंटे अगर रोड खाली मिल जाए तो, क्यों पहाड़ों में बहुत लोग टूरिस्ट लोग आते हैं बहुत सारे, तो काफ़ी रश होने लगे पहाड़ों में आजकल, और गाड़ी भी आराम आराम से चलानी पड़ती है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स पहाड़ी रास्तों में ऐसी संकरा रास्ता होता है, अगर कोई गाड़ी आगे निकल जाए तो बड़ी मुश्किल से साइड होकर दूसरी गाड़ी निकलती, जैसे अभी ट्रक लग गया था तो और नैरो रोड होती है तो जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, नहीं तो पहाड़ी रास्तों में बड़े ख़तरनाक रास्ते होते। तो एक तरफ तो ये रोड है पहाड़ी साइड को और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई, अभी दिखाती हूँ कहीं पर खाई आती है क्योंकि अभी तो पेड़ लग रहे हैं ना, तरह इतनी गहरी खाई होती है दूर पहाड़ी और ये साइड में खाई बड़ी गहरी, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी को। और अचानक सामने से दूसरी गाड़ियां भी आ जाती है, ये देखिए और थोड़े थोड़े मोड़ के बाद हॉर्न भी बजाना पड़ता थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तब जाके बंदा सही सलामत अपने घर तक पहुँचता है, वो बहुत ही नैरो रोड है। ऊपर को घना जंगल, साइड में गाड़ियाँ और नीचे खाई, और खतरनाक कुल मिला के पहाड़ों में बड़ी ठंडी हवा, टेम्परेचर बहुत मिनिमम। तो फिर बढ़ते हैं आगे, अभी थोड़ा अभी रह गया हमारा घर लगभग 25 किलोमीटर और रह गया। कल प्योली ने मेरी मेहंदी भी लगाई थी और मैंने कल की वीडियो में दिखाया था मटू की तरफ डिस्टर्ब कर रही थी, जैसी जरा सी मेहंदी लगे तो मेरे हाथ में बैठ जाए मटू, फिर वैसे मैंने जल्दी धो दी थी क्योंकि रात का टाइम था। तो फ्रेंड्स अब हम अपने घर के पास पहुँच गए, थोड़ा सा रह गया एक 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, और साथ साथ ये नदी भी बह रही, जिस हमारे गांव से जो नदी होके बहती है राम गंगा नदी है, अभी दिखाती हूँ नीचे की साइड है। और 2:30 बज गया सुबह, 4:30 बजे से बैठ, बीच में थोड़ी देर के लिए हमने स्टे भी किया थोड़ी थोड़ी अंतराल पे, जैसे रामनगर में और वो जहाँ पे हमने पानी का नेचुरल स्रोत दिखाया था वहाँ पे, एक ही सुबह 4:30 से अब 2:30 घर पहुँचते पहुँचते आधा पौन घंटा और लगेगा हमें घर तक। ये नदी अभी आ गया, सुनना रह गया।
ये ना चीड़ के पेड़ है, पहाड़ों में चीड़ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और इनके जो ये घास गिरती है नीचे, पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहेंगे या जो भी पीले कलर के, तो इनमें ना आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है, इसलिए पहाड़ों में आग भी बहुत जल्दी लग जाती है, ड्राई होके नीचे गिर जाती है इनकी घास। थोड़ा सा रह गया बस अब, और गाड़ी तो ऊपर तक आएगी है ना। तो फ्रेंड्स अब पहुंच गए हम अपने गांव की सरहद में, ये है केदार का नवनिर्मित पुल। इस पुल को क्रॉस करते हुए हमारे गांव में एंट्री होती है। पहले वो नीचे जो छोटा सा पुल है, एक छोटा तो नहीं उस टाइम बहुत बड़ा पुल था, उसी से आना जाना होता था, अभी बड़ा पुल बन गया है।